दोस्तों आपने देखा होगा मैच जो चल रहा था, सनराइजर हैदराबाद जिसकी अगुवाई मार्करम कर रहे थे तथा दिल्ली कैपिटल जिसकी अगुवाई डेविड वार्नर यानी कि सनराइजर हैदराबाद का कप्तान मार्करम तथा दिल्ली कैपिटल का कप्तान डेविड वार्नर थे। शायद इस आईपीएल में भारतीय कप्तान की कमी हो गई होगी, यानी कि किसी बाहरी व्यक्ति को अपने घर में बुलाओ और उसे अपने घर का मालिक बना दो। अब चलिए चलते हैं मैदान में। दिल्ली कैपिटल के तरफ से दो ओपनर आते हैं, एक कप्तान डेविड वार्नर और दूसरा साल्ट, दोनों विदेशी। शायद अब आईपीएल भारतीय खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि विदेशी खिलाड़ियों के लिए हो रहा होगा। गेंदबाजी में आते हैं भुवनेश्वर कुमार और साल्ट तो खैर बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट गए, क्योंकि उन्हें 10-12 करोड़ की मामूली रकम में खरीदा गया था, तो शायद यह उनके लिए कम रकम थी। और भुवनेश्वर कुमार के गेंद पर जो कैच साल्ट का पकड़ा गया था वह कैच भी किसी विदेशी खिलाड़ी के ही द्वारा पकड़ा गया। अब रही आगे की खेल, तो दूसरे नंबर पर बल्लेबाज जो आते हैं वह होते हैं मिचेल मार्स, जो कि किसी भी प्रकार से दूर दूर से भारतीय नज़र नहीं आ रहे हैं और ये विदेशी ही हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो गेंदबाजी करने बुलाया जाता है वो भुवनेश्वर कुमार के बाद, तो वो एम यानसन जो कि पूर्णतः विदेशी खिलाड़ी थे। फिर इसे ढहने के बाद आते हैं सरफराज खान, फिर अमन खान, फिर दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजी में हैरी ब्रू जो महंगे खिलाड़ी थे इसीलिए 7 रन बना करके आउट हो गए, जो कि शायद नाराज थे और उन्हें उतना पैसा नहीं मिला था जितना उन्हें चाहिए था और वो भारतीय नहीं थे, वो विदेशी ही थे। खैर मयंक अग्रवाल सस्ते थे पर संतुष्ट थे, इसीलिए उन्होंने 49 रनों की शानदार पारी खेली। कैलाश सेन जो कि 10-12 करोड़ के खिलाड़ी हैं, तो उन्हें भी मुंह ताक करके ही पवेलियन जाना पड़ा। इधर कप्तान मार्करम भी क्लीन बोल्ड होने आए ही थे, क्योंकि उन पर कप्तान का प्रेशर जो था, खैर आशा लगाई यही जा सकती है ना कि जिस प्रकार से बॉलीवुड का इस्लामीकरण हो चुका है ना, उसी प्रकार से वह दिन दूर नहीं जब आईपीएल का भी विदेशीकरण हो जाएगा, तो भारत के जो नए उभरते हुए क्रिकेटर हैं धरे के धरे रह जाएंगे तथा 50-60% खिलाड़ी आईपीएल में अब विदेशी को ही देखेंगे, विदेशी ही रहेंगे तथा साथ ही साथ अंपायर विदेशी, बॉलर कोच विदेशी, फील्डिंग कोच विदेशी, बैटिंग कोच विदेशी। भारत का रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ पैसा। आप अपने पैसे लगाकर आईपीएल देखने जाएंगे पर वहां आप विदेशी मैच देखेंगे, विदेशी खिलाड़ियों का ही जलवा दिखेगा उस मैच में। और बहुत जल्द ही इस आईपीएल का मुस्लिमीकरण तथा विदेशीकरण होगा, जैसे कि आईपीएल में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ टीम के खरीदारी में भी विदेशी कंपनी साझेदारी करने लग जाएंगे तथा हर आईपीएल में अरबों अरब रुपए हमारे भारत से विदेश चले जाएंगे। आईपीएल के एंटरटेनमेंट के नाम पर अभी भी 1500 करोड़ तो जा ही रहा है, पर इस बात का किसी को कोई चिंता नहीं। दोस्तों आपको हो सकता है कि हमारी बात ज़रूर बुरी लगेगी, क्योंकि यही हैरी ब्रूक, मार्करम, डुप्लेसिस, राशिद खान, मोइन अली, रबद्दा, साल्ट, वार्नर तथा तमाम विदेशी खिलाड़ी जो हैं वो आपको ड्रीम इलेवन में पॉइंट दिलाते हैं, पर 1 करोड़ तो कभी दिला ही नहीं सकते। इसलिए हो सकता है कि आपको हमारी बात बुरी लगेगी, परंतु गलती से यदि यह बात अच्छी लगी हो ना, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये जो मेरा संदेश है वो हर युवा के पास चले जाए, हर वो क्रिकेट प्रेमी के पास चले जाए जो कि अपना पैसा खर्च करके इन विदेशी खिलाड़ियों को देखने आते हैं। और यदि यही विदेशी खिलाड़ी के बदले यदि इस आईपीएल में हमारे भारतीय खिलाड़ियों को यदि उतना मौका दी जाती, भारतीय खिलाड़ियों को यदि खिलाया जाता, तो हो सकता था कि ये जो हम उनका जलवा देखते हैं ना, और यदि वही जलवा हम भारतीय खिलाड़ियों को देखते तो हमारे अंदर इतनी उमंग आती, इतनी उत्साह आती कि खैर हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये सख्त ज़रूरत है कि आईपीएल में जितना हो सके भारतीय होनहार युवा खिलाड़ियों को लिया जाए, जो कि सालों से प्रैक्टिस करते हैं, अपना सारा कुछ खो करके इसमें घुसे हुए होते हैं, लेकिन उन्हें आईपीएल में मौका नहीं मिलता, उन्हें ज़रूर मौका